अगर आप गया जी में टुंगेश्वरी हिल आते हो तो टुंगेश्वरी हिल के पास में ही आपको एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखेगी शयन मुद्रा में। शयन मुद्रा तो नहीं है लेकिन हाँ आपको एक उरुवेला फॉरेस्ट नाम का एक जगह मिलेगा जो कि टुंगेश्वरी हिल से करीब करीब हाफ किलोमीटर होगा, 0.5 किलोमीटर। यहाँ पे भी अगर आप आते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको शांति फील होगा। जनरली यहाँ पर मेडिटेशन कराया जाता है, मेडिटेशन सेंटर आप एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि हर जगह पे मैं देख पा रहा हूँ लिखा है मेडिटेश्वरी चालू है। तो अगर आप टुंगेश्वरी हिल आ रहे हो और इस जगह को मिस कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपका ये ट्रिप जो है ना वो बेकार चला, क्योंकि यहाँ पे भी आते हो ना बहुत ही ज़्यादा आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, ग्रीनरी मिलता है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मैंने सुना है या फिर ये क्योंकि पढ़ा है तो भगवान बुद्ध भी इस स्थल का जो व्याख्या है उन्होंने बताया है इसके बारे में, मतलब इसकी खूबसूरती को उन्होंने बताया है। यहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हैं साथ ही साथ निरंजना या फल्गु नदी के तट पे हैं, इसकी व्याख्या उन्होंने भी की थी, तो इसलिए इस जगह का महत्व है। तो फ्रेंड्स अगर कभी भी आप टुंगेश्वरी हिल आ रहे हो, टुंगेश्वरी की पहाड़ी आ रहे हो तो इस जगह को घूमना मत भूलना। आइए आज के वीडियो में हम आपको ये पूरा उरुवेला फॉरेस्ट में है वो जय बुद्ध जय जय बुद्ध। उरुवेला नामक स्थान का ऐतिहासिक महत्व महात्मा बुद्ध के सन्यासी जीवन से संबंधित है। उरुवेला नगर बौद्ध कालीन मगध महाजनपद में अवस्थित था। उरुवेला को बोधगया के निकट स्थित उरेल नामक आधुनिक ग्राम से समीकृत किया जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से यह अत्यंत मनोरम स्थल था। महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ के सुंदर वृक्ष, मनोहर झीलों, मैदान तथा निरंजना नदी की प्रशंसा की थी। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी स्थान को चुना था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध निरंजना नदी के तट पर अजपाल नामक वट वृक्ष के नीचे उरुवेला में रहते थे। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, साथ ही यहाँ पे मेडिटेशन भी होती है। आप सामने देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिटेशन चालू है, नो एंट्री। और भाई यहाँ पे ये जो आप कह सकते हो ना सीन बना हुआ है काफ़ी अच्छा लगता है भगवान बुद्ध को देख कर यहाँ पे। और सामने भी एक भगवान बुद्ध की स्टैचू आप देख सकते हो, साथ ही यहाँ पे साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा हुआ है, मतलब तो चारों तरफ आपको क्लीननेस दिखाई देगा। और यहाँ पे आप टुंगेश्वरी से कुछ ही पैदल यात्रा करके भी पहुँच सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको मुझे लगता है जहाँ तक कि 5 मिनट लगता है और यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ये देखो फ्रेंड्स, उरुवेला फॉरेस्ट का ये मनमोहक सा दृश्य जहाँ पे आपको सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध मिल जाते हैं और साथ में अशोक का स्तंभ, यहाँ पे अशोक का पिलर, और ये रहा मेन एंट्रेंस गेट। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग नहीं कह सकते हो लेकिन मंदिर टाइप बना हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं, बट बात वही है कि आप क्या बोल रहे थे टुंगेश्वरी हिल्स आओ तो भाई इसको मिस नहीं करना जो हमारे पीछे है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन